लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस में बवाल है। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद लवली ने इस्तीफा दे दिया, इसके कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लवली के घर पर पूर्व विधायक आसिफ खान ने यह कहकर हंगामा कर दिया कि लवली बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। इस पर आसिफ खान के साथ धक्का मुक्की की गई। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का भी विरोध किया और नारेबाजी की। जबरदस्त हंगामा दिल्ली में देखने को मिला, जहां लवली समर्थकों की मोहम्मद आरिफ से धक्का मुक्की हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह लवली के समर्थक मोहम्मद आरिफ से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें केसी वेणुगोपाल लवली से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन यानी इस गठजोड़ को सही नहीं आका। उन्होंने कहा कि ये बूथ कार्यकर्ताओं के लिहाज से ठीक नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार मेहनत कर रही थी आम आदमी पार्टी के साथ आने से वो स्थिति खराब जरूर हुई। और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस से अपनी नाराजगी भी जताई। नाराज इस लेवल पर हुए कि उन्होंने पद भी छोड़ दिया। वर्कर से अरविंद सिंह लवली के समर्थन में आए थे वो लगातार आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आसिफ मोहम्मद खान